पिछली बार जब आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि प्लीज आप मारुति सुजुकी जैसा वीडियो हुंडई के बारे में भी बना के दीजिए हमें, कि हुंडई भी कैसे आगे बढ़ी, कौन कौन सी उसकी फ्लॉप कारें थी भारतीय बाजार में, ये चैनल आपका है, डेफिनेटली आपकी इच्छा सराखों पर। बस इसीलिए आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ सारी हुंडई, हुंडई की वो कारें जो भारतीय बाजार में फ्लॉप और सुपर फ्लॉप रही। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगुरु। मंजिलें और भी मिलती रहीं, राहें बिछड़ती रहीं, मंजिलों ने कहा हमने ही तो आपको कामयाब बनाया, राहों ने कहा हम ना होते तो क्या खाक कामयाब होते। बिल्कुल सही, यही फ्लॉप कारों ने हुंडई को एक सक्सेस स्टोरी लिखने को विवश कर दिया। जी हाँ, हुंडई भारतीय बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसने भारतीय बाजार में एक के बाद एक ढेर सारी कारें लॉन्च की और पहली ही कार से यह कंपनी सुपरहिट हो गई। बीच में कुछ समय इसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, इसका मार्केट एक्सपोर्ट में भी डाउन होने लगा और इंडियन कार बाजार में भी 2012-13 के बीच में यह कंपनी थोड़ा सा नीचे चली गई थी। आज भी यह टोटल सेल में बहुत स्ट्रगल कर रही है उस अच्छे दौर के मुकाबले। भारतीय बाजार में कभी हुंडई का मार्केट शेयर 26% हुआ करता था, जो घटके इस समय सिर्फ 17% रह गया है। लेकिन क्या इससे हुंडई खराब कंपनी होती है? बिल्कुल नहीं, हुंडई एक बड़ी शानदार कंपनी। हाँ, उसने बहुत सारी फ्लॉप कारें दी हैं, आज उनके बारे में ही आपके साथ बात करता हूँ। शुरुआत कर देता हूँ पहली कार से। हुंडई की भारतीय बाजार में शुरुआत हुई पहली ऐसी बड़ी गाड़ी से, जो थी सोनाटा। सोनाटा को भारतीय बाजार में 2001 में पहली बार लॉन्च किया गया था। उसके बाद दोबारा, तिबारा, चौबारा, कभी सोनाटा गोल्ड, फिर सोनाटा, फिर एम्बेरा, फिर ट्रांसफॉर्म, लेकिन चार चार बार लॉन्च करने के बाद भी यह कार भारतीयों को कभी पसंद नहीं आई। शुरुआत में जब सोनाटा गोल्ड लॉन्च हुई थी, तब डबल बैरल हेडलैम्प ने उसे थोड़ा सा लग्जरी कार का फील दिया। कुछ लोगों ने उसी शौक में कार को परचेज भी किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यह कार पसंद नहीं आई। वजह यह थी कि यह बहुत ज्यादा खराब एवरेज देती थी और लोगों को लगता था नहीं, वो क्वालिटी नहीं है कार में जिसके लिए वो एक्सपेक्ट करके इस कार पर अपना पैसा लगा रहे थे। यही वजह थी कि सोनाटा उस बुरी इमेज के बाद आगे बढ़ ही नहीं सकी। उसने बहुत बार कोशिश की, मैंने बताया ना, सोनाटा गोल्ड के बाद फिर सोनाटा आई, फिर एम्बेरा आई, उसके बाद ट्रांसफॉर्म भी आई, लेकिन कोई भी नहीं चली। चलिए अब चलते हैं हुंडई की एक और कार को समझने। वह कार भारतीय बाजार में क्यों फ्लॉप हुई, वह तो मास मार्केट की कार थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गेट्स की। गेट्स को भारतीय बाजार में 2004 में पहली बार लॉन्च किया गया। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इस कार से, क्योंकि यह कार सेंट्रो के थोड़े ही ऊपर थी, यानी सोनाटा ऐसी गलती नहीं थी इसके साथ, लेकिन फिर भी कार नहीं चली। इसे बाद में प्राइम के नाम से भी लॉन्च किया गया, गेट्स प्राइम करके, लेकिन फिर भी नहीं चली। वजह क्या थी? ध्यान से समझा जाए, गेट्स उस समय भारतीय मार्केट के लिए परफेक्ट कार थी, क्योंकि भारत में ऑलरेडी मारुति सुजुकी की जेन नाम की एक छोटी कार चलती थी, जो कि पावरफुल इंजन के साथ थी। उसके मुकाबले गेट्स में काफी जगह थी, इसके सक्सेस होने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन नहीं चल पाई। वजह, सबसे बड़ी वजह तो यह थी कि इस कार का एसी नाम की चीज ही नहीं थी। कार में एसी तो था, लेकिन कूलिंग नहीं करता था, उसका हाल कूलर से भी बदतर था। जिन लोगों के पास भी गेट्स रही है, वो सब इस चीज की शिकायत करते थे कि पीछे बैठना इस कार में सजा देने के बराबर है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया की मेन गर्मी में एसी उसका काम बिल्कुल अच्छे से नहीं करता। आखिरकार थक हार कर कंपनी ने 2010 में इसको बंद ही कर दिया। चलिए फिर अब चलते हैं एक अगली कार की तरफ, जो हुंडई की सबसे पहली एसयूवी थी भारतीय बाजार में। बहुतों ने इसका नाम भी याद नहीं है, मैं बात कर रहा हूं हुंडई टैराकॉन का। जी हाँ, टैराकॉन को भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा देखा गया शाहरुख खान की फोटो के साथ। जी हाँ, सड़कों पे तो दिखी नहीं, फोटो में दिखी, क्योंकि शाहरुख खान उसके ब्रांड एम्बेसडर थे और उसको रेगुलर लाइफ में भी यूज करते थे कसके, सिर्फ ये नहीं कि नाम के ब्रांड एम्बेसडर थे, एक्चुअल में यूज करते थे। यही वजह है कि उनकी फोटो के साथ ही वह कार दिखती थी, बाकी सड़कों पर नहीं दिखती थी। इस कार को 2003 में लॉन्च किया गया और 2007 तक किसी तरह बेचने की कोशिश जारी रही हुंडई की तरफ से, लेकिन मामला सिफर, जीरो, कुछ नहीं हाथ लगा। यह कार भारतीयों की पसंद में चढ़ ही नहीं सकी, जबकि उस समय होंडा की सीआरवी
बेहतरीन सेल करती थी, लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। जो लोग दूसरी बड़ी कार की तरफ जाना चाहते थे वो पजेरो की तरफ चले जाते थे, लेकिन कोई ने भी टाटा कार को घास नहीं डाली। यही वजह थी कि यह हुंडई के लिए एक बुरा सबक बन के रह गई। हालांकि हुंडई ने भारतीय बाजार में जितनी एसयूवी ट्राई की है शायद ही किसी ने की हो लग्जरी सेगमेंट में। जी हाँ, इसके बाद नंबर ऐसे ही एक और कार का है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं हुंडई टोशों की। लोग इसे पढ़ने में स्पेलिंग से टक्सन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका नाम टोशों है। टोशों भारतीय बाजार में 2005 में पहली बार आई। इसका दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट भी आया। आज भी यह कार अवेलेबल है, लेकिन यह भी सही है कि इस कार के चाहने वाले ना के बराबर है। और जो थोड़ी बहुत सेल गिनी चुनी नाम मात्र की हो जाती थी, उसे जीप कंपास के आने के बाद अल्प विराम भी पूर्ण विराम की तय हो गया। यानी इस कार की सेल लगभग खत्म सी होती चली जा रही है। हालांकि इस कार को दूसरा जीवन दान देने के लिए कंपनी ने अपनी एक और एसयूवी की बलि चढ़ा दी। जी हाँ, जो कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट की तरह भारतीय बाजार में आती थी, वह थी इसकी पांचवीं फ्लॉप कार हुंडई सेंटा फे। हुंडई सेंटा फे 2010 में भारतीय बाजार में आई। वह सेकंड जनरेशन कार हुआ करती 2013 तक उसे बेचा गया। 2013 के बाद उसमें थर्ड जनरेशन कार दी गई जो 2017 तक बेची गई। लेकिन 17 में हुंडई को समझ में आ गया कि इस कार का कोई भविष्य नहीं। भारत में लग्जरी एसयूवी बेचना बहुत मुश्किल काम है। उसने सेंटा फे को बंद कर दिया और सोचा शायद सेंटा फे के कस्टमर टुशों को मिल जाए और टुशों की सेल कुछ बेहतर हो जाए। हालांकि टुशों को सबसे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है जीप कंपास के आने की वजह से। यही वजह है कि हुंडई के पास सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी है एसयूवी में, जो कि है मिनी एसयूवी क्रेटा। डेफिनेटली उसका तो कोई जोड़ नहीं बेहतरीन कार में से एक मानी जाती है, स्पेसियस, आरामदायक, बड़ी साइज की, बेहतरीन लुक्स में। यही वजह है कि मैक्सिमम लोग क्रेटा खरीद लेते हैं, टुशों और सेंटा फे के बारे में सोच ही नहीं पाते। यानी कि लोग मैक्सिमम यह मानते हैं कि हुंडई महंगी कारों के लिए परफेक्ट ब्रांड नहीं है। अगर महंगी कारें खरीदनी है तो वह एंडावर, फॉर्चूनर या फिर X1 Q3 पे चले जाते हैं, लेकिन कोई भी हुंडई की तरफ देखना पसंद नहीं करता। ये तो थी वो पांच कारें जिन्होंने हुंडई को नया सबक सिखाया कि भारतीय बाजार को कैसे समझा जाए। उसके बाद से हुंडई एक के बाद एक बेहतरीन कार लॉन्च करते जा रही है, लेकिन लंबे समय से हुंडई ने कोई नई कार लॉन्च नहीं की। नई मतलब कंप्लीटली न्यू कार, जो कारें आती थी उनका ही फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन आ गया। लेकिन हमें भी इंतजार है, सुनने में आया है कि अब सेंट्रो री इन्वेंट करके दी जा रही, यानी एक नई कार आ रही है जिसका नाम शायद सेंट्रो हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मली इस कैटेगरी को वो IX कोड नेम देके रखते हैं, IX 20, 30, कुछ भी IX के नाम से ही यह कोड नेम पे चलती है। हाँ, क्या नाम होगा इसका कहना मुश्किल है। हालांकि हुंडई की एक खासियत है, वह अपने नाम को छोड़ती भी नहीं है। आप चाहे तो एसेंट से समझ जाए। भारतीय बाजार में एसेंट का एसेंट GTX, विवा, CRDI, GLS, GLSE और लास्ट में एग्जीक्यूटिव, यानी एसेंट के ही उसने 7-8 वेरिएंट निकाल निकाल के दिए। और जब एसेंट को बंद करना पड़ा, वह बंद किन हालातों में करना पड़ा ध्यान समझे, उसका नया वर्जन आ चुका था भारतीय बाजार में एसेंट का नेक्स्ट जनरेशन, जिसे कि इंडिया में नाम दे दिया गया वर्ना, जबकि सारी दुनिया उसे भी एक्सेंट ही कहती थी। भारतीय बाजार में उन्होंने फिर ग्रैंड आइटन की एक बड़ी बहन तैयार की, उसका नाम फिर वही एसेंट की जगह एक्सेंट कर दिया गया। बस और कोई बड़ा चेंज नहीं, यानी नाम को अपने से चिपका के रखने की हुंडई की आदत जाती नहीं। इसीलिए लोगों को इस बात पर शक ज्यादा है कि हुंडई अपनी सेंट्रो दे सकती है 23 सितंबर 2018 को, जब हुंडई 1996 में भारतीय बाजार में आई थी, उसने कंपनी तैयार की, और 23 सितंबर 1998 को सेंट्रो को भारतीय बाजार में दे दिया, जिसने कि भारत में पहली बार टॉल बॉय डिजाइन को खड़ा कर दिया, उसी टॉल बॉय डिजाइन पर जिस पर कि आज वैगन आर राज करती है। उसकी शुरुआत हुंडई ने ही की थी, तो डेफिनेटली हुंडई के पास रश करने के लिए बहुत चीजें हैं। उसने बेहतरीन कारें भी दी हैं, लेकिन ये वो पांच कारें थी जिन्होंने हुंडई को कुछ सिखाया।
फिलहाल इन पांच कारों के ऑनर्स की शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पार्ट्स मिलते नहीं है, सर्विस अवेलेबल नहीं है और साथ ही रीसेल वैल्यू का तो नामो निशान नहीं है। हुंडई भी 2012 में एक बार जब डाउनफॉल पे आई, उसके बाद से उसकी मार्केट शेयर घटनी शुरू हो गई। हालांकि वह सेल तो दोबारा से बना पाई अपनी, लेकिन शेयर कम होता चला गया। आज शेयर उसका केवल 17% रह गया, घटकर 26% से। हुंडई आगे किन पर दांव लगाने जा रही है? हुंडई ने कंफर्म किया है कि वह आयोनिक को भारतीय बाजार में देना चाहती है, सेंट्रो के तहत से एक छोटी कार भी भारतीय बाजार में देना चाहती है और उसने अभी कुछ लालच दिखाया है कोना के नाम से। हालांकि कोना को एक छोटा कोना ही पकड़ाया है उसने ऑटो एक्सपो में, वह भी पुरानी वाली कोना में इलेक्ट्रिक बताकर, जबकि उसने जेनेवा ऑटो शो में नई कोना को दिखाया था जो कि बहुत बेहतरीन है। तो फिर इंडिया को पुरानी कोना क्यों दिखाई? पता नहीं लॉन्च करने का मूड भी है या सिर्फ गिनती बढ़ानी थी। देखते हैं फ्यूचर क्या कहता है कोना के बारे में। अभी तो फिलहाल बहुत जल्दी उसके आने की उम्मीद नहीं। सबसे पहली उम्मीद यही है कि शायद सेंट्रो या आयोनिक में से कौन सी कार को बहुत आगे बढ़ाए। देखते हैं ऊंट किस कवर बैठता है। यह तो थी हुंडई की वह पांच कारें जिन्होंने हुंडई को थोड़ा सा परेशान किया, थोड़ा सा फ्लॉप कारों का ठप्पा लगाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और यह भी बताइएगा साथ में कि आप इनके अलावा किन कारों को हुंडई के फ्लॉप कारों में गिनते हैं। हमें आपके विचारों का हमेशा ही इंतजार रहता है, यही तो हमें नई राह दिखाते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा, बंद करने से पहले कुछ तो करके ही जाइएगा। हाँ, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, न्यूज रिव्यूज क्वेश्चन आंसर्स और आपके टॉपिक पर वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है अभी दबाकर ग्रे कर दे, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन की बेल उसे दबा दीजिए, ऑप्शन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आज कारगुरु।